गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीके लर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जेई 2018 सेट टू में पूछे गए प्रश्नों का। ठीक है, तो इससे पहले शुरुआत करने से पहले एक थॉट है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आय और व्यय लेखा होता है। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, आपके पास चार ऑप्शन हैं। ठीक, ए प्रॉपर्टी अकाउंट, बी पर्सनल अकाउंट, सी नॉमिनी अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आय और व्यय किस प्रकार के लेखा होते हैं? आय और व्यय लेखा होते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक, देखिए हमारे पास तीन टाइप के अकाउंट होते हैं। ठीक है, थ्री टाइप्स के अकाउंट होते हैं। ठीक, फॉर ट्रांजेक्शन के लिए मेनली थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट आर यूज फॉर ट्रांजेक्शन, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कमोडिटी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड इन विच मार्केट, वस्तु या उत्पाद विभेद किस बाजार में पाया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन हैं, ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। नो ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो वस्तु या उत्पाद विभेद किस बाजार में पाया जाता है? अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में पाया जाता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब अपूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या होता है इसको जान लेते हैं। ठीक, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ कम्पिटेटिव मार्केट, ठीक, सिचुएशन वेयर दे आर मेनी सेलर, जहाँ बहुत सारे विक्रेता हों बट दे आर सेलिंग डिसिमिलर गुड्स एज अपोज टू परफेक्ट कम्पिटेटिव मार्केट सिनेरियो। ठीक है, वे अलग अलग सामान बेचते हों एज परफेक्ट टू अपोज टू, जिसके उल्टे कम्पिटेटिव मार्केट सिनेरियो के। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इकोनॉमिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली डिटरमाइंड नेशनल इनकम इन इंडिया, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? आपके पास 3 सेकंड है और आपके पास चार ऑप्शन भी है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए है जगदीश भगवती, बी है वी के आर वी राव, कौशिक बासु और सी है डी है मनमोहन सिंह। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन होगा वी के आर वी राव। ठीक है, ये भारत के पहले पहली इन्होंने भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से इनकम इनकम राष्ट्रीय इनकम नेशनल इनकम की गणना की थी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी के आर वी राव इसका सही आंसर होगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें से केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। ठीक है, गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। देखिए सरकार दो तरीके की योजना चलाती है। ठीक है, एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर चलाती है, ठीक, और एक चलाती है प्लान एक्सपेंडिचर। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का अंग नहीं है। ठीक, तो इसमें से कौन सा बताइए, आपके पास 3 सेकेंड है। तो ऑप्शन ए है इंटरेस्ट पेमेंट, ऑप्शन बी है ग्रांट टू स्टेट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑप्शन डी है सब्सिडी। गैर योजना व्यय का अंग नहीं है, यानी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का अंग नहीं है हमारा सी एक्सपेंड इलेक्ट्रिफिकेशन, ये हमारा प्लान एक्सपेंडिचर का अंग है। ठीक, देखिए आपको बता देते हैं, यहाँ पे हम नोट्स आपके लिए लाए हैं। ठीक, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कंटेन इंटरेस्ट पेमेंट, इकोनॉमिकल हेल्प, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कंटेन करता है। ठीक है, और प्लान एक्सपेंडिचर क्या कंटेन करता है? एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिफिकेशन, इरिगेशन। ठीक है, और जो सरकार राज्यों को फंड देती है विकास के लिए, ये सब किस में आते हैं? प्लान एक्सपेंडिचर कंटेन में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द परसेंटेज ऑफ डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग 2001 टू 2011 एज पर सेंसस 2011 इज, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? ठीक है, ठीक, तो आपके पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15.89, ऑप्शन बी 17.64%, ऑप्शन सी 19.21%, ऑप्शन डी 21.54%।
वृद्धि दर कितनी थी 2001 से 2011 में? हमारा ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे, ठीक है, 16.7664% थी वृद्धि दर। आप लोग ऐसा कोई ईयर जानते हैं जिस वर्ष, जैसे इस वर्ष तो जनसंख्या में वृद्धि हुई, कौन सा ऐसा वर्ष था जिस वर्ष जनसंख्या में कमी आई थी? ठीक है, वो हमारा वर्ष था 1921 का, ठीक है, 1921 में जनसंख्या में कमी आई थी। और ठीक है, आज तक का यही हमारा एक ऐसा ईयर है जिस वर्ष हमें जनसंख्या में कमी दिखी थी, नहीं तो हर जब भी सेंसस होता है जनसंख्या में वृद्धि ही दिखती है। ठीक, तो 1921 आप याद करिएगा, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भारत में सेक्स रेशियो कितना है इस समय? तो इस समय सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया ही 943। सेक्स रेशियो का मतलब आपको बता देते हैं एक बार, सेक्स रेशियो का मतलब होता है 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएँ हैं। ठीक, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं उसी को हम सेक्स रेशियो कहते हैं, यानी 1000 पुरुष अगर भारत में हैं तो उसके कंपेरिजन में 943 महिलाएं हैं। ठीक है, अभी भी इक्वल नहीं है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? ए इटली, बी चाइना, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। तो किस देश में हुआ सबसे पहले? आपके पास 3 सेकेंड। संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। ठीक, अब आते हैं ब्रिटेन। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन ब्रिटेन इन 1215 में हुआ था। ठीक, अब देखिए सिर्फ ब्रिटेन के पास ही अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इजराइल के पास भी है, न्यूजीलैंड के पास भी है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, भारत के पास लिखित संविधान है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा कुछ कहते हैं लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, ठीक है ना। अब भारत के संविधान में बहुत सारी चीज़ें बारो भी की गई हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पार्लियामेंट हैज़ गिवेन अ पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ठीक, आर्टिकल 5, आर्टिकल 7, आर्टिकल 9, आर्टिकल 11। आपके पास 3 सेकेंड हैं। तो भारतीय संविधान को आर्टिकल 11, ठीक है, के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान हुआ है। आर्टिकल 11 किस में आता है? पार्ट 2 में आता है। पार्ट 2 हमारा किससे बिलोंग करता है? सिटीजनशिप से बिलोंग करता है, ठीक है ना। हमारे संविधान में कितने पार्ट हैं? हमारे संविधान में कुल 22 पार्ट हैं, ठीक, 22 पार्ट हैं, और कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। ठीक, और आर्टिकल कितने हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 394, इस समय आई थिंक 400 से ऊपर अनुच्छेद होंगे हमारे संविधान में, ठीक है ना। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? ठीक, ऑप्शन ए है वॉर, ऑप्शन बी है आर्म्ड रिबेलियन, ऑप्शन सी है एक्सटर्नल अग्रेशन, ऑप्शन डी है इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, मतलब सुनिए इसको, अगर सरकार इमरजेंसी लगाना चाहे तो कौन से कारण को, ठीक है, देखिए किस कारण को बोलकर वो इमरजेंसी नहीं लगा सकती है। ठीक, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगर सरकार चाहे इमरजेंसी लगाए और कहे कि भारत में आंतरिक अशांति है इसलिए हम इमरजेंसी लगाना चाहते हैं, तो सरकार इमरजेंसी नहीं लगा पाएगी। ठीक, समझ में आप लोग को, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगर देखिए, अगर हम भारत में इमरजेंसी कब लग सकती है? वार हो, आर्म्ड रिबेलियन यानी सेना विद्रोह कर दे, एक्सटर्नल अग्रेशन या कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे, ठीक है, तब भारत में कौन सी इमरजेंसी लगेगी? तब जाके नेशनल इमरजेंसी लगेगी। नेशनल इमरजेंसी की बात किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 352 में किया गया है। ठीक है, भारत में इमरजेंसी के मेन 352 और 360 तक आर्टिकल हैं। ठीक है, तो देखिए इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। नेशनल इमरजेंसी कब लगेगी? जब वार का खतरा हो, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन हो, और क्या आर्म्ड रिबेलियन हो गया और एक्सटर्नल अग्रेशन हो, ठीक, तब हम लगाते हैं नेशनल इमरजेंसी। ठीक, आर्टिकल 356 में स्टेट, आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल,
स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट ये कब लगाया जाता है, जब स्टेट में या तो कोई पार्टी पूर्ण बहुमत में ना हो तब ये लगता है, या जैसे आप लोग देखते होंगे इसके पहले आप देखे होंगे, इस समय तो यहाँ का झमेला चल रहा है राजस्थान का, ठीक है, अगर एक सरकार गिरती है ठीक तो वहाँ पे फिर प्रेसिडेंट रूल लगेगा, ठीक, जिसको जिसकी जिसकी बात आर्टिकल 356 में की गई है, ठीक। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये 360 में, आर्टिकल 360 में इसकी बात की गई है, ठीक है, ये आज तक कभी भी हमारे देश में लगी नहीं है, भगवान ना करे आगे भी लगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक। आपके पास चार ऑप्शन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द फाइनेंस कमीशन, द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, पूछ रहा है कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको कहते हैं वह बॉडी जिसका संविधान में उल्लेख हो, ठीक है, जिसको संविधान में मेंशन किया गया हो उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कहते हैं, ठीक। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी संविधान में उल्लेख है, फाइनेंस कमीशन का भी उल्लेख है, ठीक है, आर्टिकल 280, ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का भी उल्लेख है, लेकिन द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का उल्लेख नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि यस क्या है, संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज अ बॉडी इस्टेब्लिश बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक, दे कैन बी ओनली क्रिएटेड और चेंज बाई पासिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, क्या कौन एग्जाम्पल क्या क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, UPSC, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच बुद्धिस्ट एक्सक्रिप्चर डिस्क्राइब अबाउट 16 महाजनपद, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, ठीक, दीघ निकाय, सुतपिटक, अगंतुर निकाय या विनय पिटक, आपके पास 3 सेकंड है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अगंतुर निकाय, ठीक है। अब आती है गौतम बुद्ध की, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर यानी गौतम बुद्ध की बात किया गया है, तो गौतम बुद्ध के बारे में तो हल्का सा जान लेते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक, कब हुआ था, 563 BC में हुआ था, ठीक, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, ठीक, पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था इनके, ठीक है, इनके पुत्र का नाम राहुल था, ठीक। इनकी 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 माता की मृत्यु हो जाती है तो इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी जी करती हैं, ठीक है ना, प्रजापति गौतमी जी करती हैं, ठीक। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, 29 वर्ष की अवस्था में, और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्त होती है, ठीक है ना, ये पहल, ठीक है, ठीक, जिसको ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध भाषा में कहते हैं संबोधिनी की प्राप्ति। अब आगे कभी और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे, बौद्ध धर्म भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है ना, आप लोग थोड़ा हल्का फुल्का जानते रहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया इन अर्ली 16th सेंचुरी इज, ठीक, तो कौन 6th शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा करने यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थ यात्रा थे यात्री थे, ठीक है, कौन थे 6th शताब्दी की शुरुआत में, ए ह्यून सेंग, फायान, सुंगयून या आई थिंक, कौन थे, तो हमारा ऑप्शन सी यहां पे सही हो जाएगा, सुंगयून, ठीक है, सुंगयून 6th शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री थे, ठीक। अब देखिए कुछ ह्यून सांग और फायान के बारे में जान लेते हैं, ह्यून सांग भारत में हर्षवर्धन के समय आया था और फायान चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में भारत आया था, ठीक है ना, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल ऑफ द सल्तनत ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिस, इल्तुतमिस के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, ए आगरा, बी लाहौर, सी बदायूं, डी दिल्ली, आपके पास 3 सेकंड है, सोचिए, घड़ी चल रही है, टिक टिक टिक। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, उसके समय इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी, दिल्ली थी, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन साल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी, ठीक,
निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया? ए सरोजिनी नायडू, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो किसने भाग लिया बताइए, आपके पास 3 सेकेंड है। ठीक, तो गांधी जी के 60 सत्याग्रह में इन तीनों ने भाग लिया। ठीक है, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी राजकुमारी और कमला देवी तीनों ने भाग लिया, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक, अब यहाँ से हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए 60 सत्याग्रह हुआ कब था? ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बता चुके हैं 60 सत्याग्रह को डांडी मार्च भी कहते हैं। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। ठीक, गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से डांडी तक पैदल यात्रा किए थे। ठीक है, 778 फॉलोवर को लेकर किए थे। ठीक, अब देखिए गांधी जी के प्रमुख आंदोलन आपको बता देते हैं याद करने का तरीका। 1917, चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक, अभी और एक और आंदोलन आने वाला है आपके सामने, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, द आइडियाज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल डिड नॉट इविंस ऑन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल नहीं था। ठीक, द बाइकॉट ऑफ सिविल सर्विस, द बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, कॉमन राइट्स, सरेंडर ऑफ ब्रिटिश टाइटल्स, प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार, आम दंगे, ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग, क्या नहीं था, क्या शामिल नहीं था जब गांधी जी क्या असहयोग आंदोलन शुरू किए तो उन्होंने क्या क्या कहा कि मतलब ये हम नहीं करेंगे और सब करेंगे? तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि हम सभी बायकॉट, सिविल सर्विस का बायकॉट करेंगे। ठीक है, फॉरेन गुड्स का भी बायकॉट करेंगे। ठीक, और जितने भी हम ब्रिटिश उपाधियां हमें मिली हैं वो हम सब वापस करेंगे, जिसको अवार्ड वापसी भी कहते हैं। ठीक है, वापस करेंगे। लेकिन गांधी जी कभी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं किए थे। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि यह शामिल नहीं था, यानी कॉमन वायलेंस, हम कॉमन वायलेंस नहीं करेंगे। ठीक, कॉमन वायलेंस होता है तभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी वापस भी लेते हैं। वो वायलेंस कौन सा होता है? चौरी चौरा कांड। कब हुआ होता है? 5 फरवरी 1922 को। ठीक, अब देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कब स्टार्ट होता है? 1 अगस्त 1920 को। कहाँ से? एट द रेट कलकत्ता से स्टार्ट होता है। ठीक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है, तिलक उसी दिन तिलक जी की मृत्यु के बाद। ठीक है ना, इट स्टार्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी की मृत्यु के बाद यह आंदोलन स्टार्ट होता है। इसमें गांधी जी तिलक फंड भी बनाते हैं, जिसमें लोग अपना जितनी जो जिसकी मर्जी होती है उतना अपना चंदा डालते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्वतंत्रता संग्राम के बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु के बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असहयोग, एक मिनट, असहयोग आंदोलन वापस कब हुआ था? असहयोग आंदोलन वापस क्यों हुआ था? 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में। ठीक है, ठीक, जिसमें ये आंदोलनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन को शायद जला दिया था। ठीक है, उसमें 7-8 पुलिस कर्मियों की मौत हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जब गांधी जी इससे आहत होते हैं और अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड? देखिए 2018 के सेट ए में भी डेजर्ट से एक क्वेश्चन पूछा था, 2018 के सेट बी में एक डेजर्ट से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ठीक, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं लेकिन हम देते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है? ए साउथ अफ्रीका, बी साउथ अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी चाइना। ठीक है, तो किस देश में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल? आपका अब सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया में 2-3 और इम्पॉर्टेंट डेजर्ट है, इसको आप याद कर लीजिए, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट। ये सब कहाँ है? ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और ये सब इम्पॉर्टेंट भी है, सिम्पसन, गिब्सन, सैंडी और विक्टोरियन, ये 4 डेजर्ट आप याद कर लीजिए। हैं तो बहुत सारे लेकिन 4 इम्पॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइपिकल फीचर ऑफ रिवर इरोजन इन यूथफुल स्टेज? अपर्दन का एक विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? गर्ज, कटा छटा तट, गोखुर झील, प्राकृतिक तटबंध। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गर्ज। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो चैनल को लाइक करिए, ठीक, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप ही का चैनल है जीके लर्नर, ठीक है। थैंक फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।